بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. آج حضور قبلہ میرے پیر و مرشد حضور قلندر دوراں مخلص فی اللہ حضرت حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار آپ تشریف فرمائیں. اتنے میرے پیر بھائی بیٹھے ہیں, اللہ کریم سب کا نا قبول و منظور فرمائے, اور ہمارے محترم جناب الحاج محمد نواز گوندل صاحب کی پوری ٹیم, اور ہمارے حضرت علامہ مولانا جانزے بازاروی صاحب, اور جتنے بھی اشاق آئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کا نا قبول و منظور فرمائے. بھائی حسن صاحب, توقیر مروی صاحب, بھائی ذیشان صاحب, مظہر عباس صاحب, زیغم بھائی, عاطف بھائی, میرے پیر بھائی, اللہ کریم نے جتنے بھی آئے ہیں اللہ سب کا نا قبول فرمائے, چودھری طاہر صاحب, بھائی شاہد محمود صاحب, اور جتنے اشاق آئے ہیں حفیظ مرزا صاحب, اللہ کریم سب کا نا قبول و منظور فرمائے. محترم ندیم اوان صاحب بہت خوبصورت حاضری پیش فرما رہے تھے, اللہ کریم سے دعا ہے اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. ایک بار ایک بار ہر بندہ اچھی آواز میں درود پاک پڑھے, صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ تبسم صاحب, اللہ کریمی نے بھی سلامت رکھے. ایک بار پھر صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا سہارا جگ پروانہ اے جگ پروانہ
भाई जरूर हाथ खड़ा करके कहेगा सारी गल हक हकी सारी गल हो से तो लाहौर तक दुख रहेगा हर बंदा हाथ उठा के कहे सारी गल कोने वाले दिए सारी गल कोने वाले दिए सारी गल कोने वाले दिए सारी गल इमाम बड़ी दिए आस्था बोलने तो आनी वाला नहीं चाहिए सारी गल बला सारी गल बलावड़े वाले कोई मिसल ना सोचे शुक्र मेरे अली बारी ताला बिल्कुल न्यू मैं पेश कर रहा हूं समाज फरमाइएगा हा रब्बा तू खालिक मालिक दुख यारा दा छोली विच पासन का पंजा बारा दा जेड़ा जेड़ा पंजा ते 12 दा लंगर खांदे हाथ खड़ा करे हाथ एंज खड़ा करने दोनों बाजू खड़े करके स्पीड ना ले जाके कहने चोली विच पासत का पंजा मारा दा चोली विच पासत का पंजा मारा दा रब्बा तू मालिक मालिक दुखे आरा दा चोली विच पासत का पंजा मारा दा चोली विच पासत का पंजा मारा दा तू मालिक तू खालिक रसूल वास्ता पावा तेरे पास पतूल में वास्ता पावा तेरे पास पतूल में वास्ता पाके नबी सारे यारा चोली विच वास्ता का बच्चा मारा चोली विच वास्ता का बच्चा मेरा पढ़ा हुआ कलाम मुझे फरमाइश हुई है जेड़ा सबसे बड़ा बादशाह की गल करने लगा तो सुभान अल्लाह आ चौके कहने सुभान अल्लाह मुश्किलां निकालदा है अल्लाह
जब मेरा दाया हाथ ऊपर जाए हर बंदा दोनों बाजू खड़े करके कहे अल्लाह बादशाह ओ नबी न टाल जाए। मुर्शिद पाक नु देख के कहने ए नबी न टाल नटाल जाए अल्लाह बादशाह दिव्या नो संभाल जाए अल्लाह बादशाह अल्लाह बादशाह अल्लाह बादशाह। हां मैं नाते दिल पर दस्ता तेरे नाल संभाला के दे सब नजारे हुजूर आपके सब नजारे हुजूर सब नजारे हुजूर मौला जो बुलंद आवाज से पड़े जब उमरा खुले तो उम्र पे चला जाए कहिए सुभान अल्लाह सब नजारे ये जो पीछे माई खड़े हैं मौला सबको देख रहा है अगर मेरी किसी तक नजर नहीं पहुंच रही तो आप सबको देख रहा है हर बंदा सीने से ले जाते हैं सब नजारे
जब सहारे सरकार के छठे
मेरा रुमाल, वो फिर कहे
सुल्तानी नहीं जाती किसी बाइस मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती मुर्शिदे पाक कहिए सुभान अल्लाह जमानों से अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती इसी बाइस मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती अली के दुश्मनों की आकबत पहचान लो लोगों ये मरते हैं तो इनकी शक्लें पहचानी नहीं जाती नारे हैदरी अच्छों के तरह नारे हैदरी जिसका मैं मौला उसका अली वाला
उसके सामने जिक्र अली करो, जिसका चेहरा जल जाए वो मोमिन है, जिसका चेहरा जल जाए वो मुनाफिक है, और यहाँ आता ही मोमिन है। हाथ उठाइए जरा मौला अली के नाम पर, एक दूसरे को देखिए कौन हाथ उठाता है और कौन नहीं उठाता, उठाइए दोनों हाथ, लहराइए और कहिए सब पढ़िएगा। अली वर्गा ज़माने कोई पीर बिका बैनो, अली वर्गा ज़माने कोई पीर बिका बैनो, अली 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 Ali 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 Ali
बहुत खूबसूरत कलाम हर बंदा पढ़े सरकार गौसिया
बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए, हर बंदा बैठ जाए। और मस्जिद पाक बहुत काफी देर से फरमाइश हो रही है, मनकबत मौला हुसैन अलैहि सलाम आपकी बारगाह में हाजिरी पेश कर रहा हूँ। बैठ जाए मैं हाजिरी पेश कर रहा हूँ दफ के बगैर भाई जैकम साहब और काफी दोस्तों की फरमाइश में मैं ये कलाम पेश कर रहा हूँ। हर बंदा सुभान अल्लाह की आवाज देगा। वो दिल ही प्यारा के जिसमें समोया नहीं हुसैन, वो दिल ही प्यारा के जिसमें कह दो हवा से जाके अब शोर ना करे, तैबा से करबला तक सोया नहीं हुसैन, सोया नहीं हुसैन। आखिरी शेर मैं पेश करके हाजिरी मुकम्मल कर रहा हूँ। कहिए सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। हो लाल मेरी तकिया बना छुले लाल सिंदड़ी दा सेवन दा शाबाश कदम अपनी हाजिरी पेश कर रहे थे।
जमीनों आसमां भी अपने काबू में नहीं रहते, जमीनों आसमां भी अपने काबू में नहीं रहते, तड़प के जब मोहम्मद का कलंदर रक्स करता है। एक कैफियत थी अल्लाह रब्बुल इज्जत प्यारे भाई की जान में माल में बिस्मिल्लाह पानी बरकतों का नज़ूर फरमाए। आज इस बज़म में अपनी आखिरी हाजिरी और इस यकीन के साथ कि इस मैदान से ऐसी सदा बुलंद होगी कि पूरा इस्लामाबाद हजूर के गुलामों की सदा से, मौला अली के दीवानों की सदा से और मौला हुसैन के नौकरों की सदा से गूंज उठेगा। ये बात किस कदर हसी जो कह गए मोइनुद्दीन, दीन की पना हुसैन है ऐसा बादशाह, जिन जिन का बादशाह हुसैन, जरा दोनों हाथों को बुलंद करके सदा में शामिल हो जाए। ऐसा बादशाह, ऐसा बादशाह, ऐसा बादशाह, मेरे मौला ने उठे हुए हाथों की लाज रख ले, जिसने मौला हुसैन के नाम पे अपने हाथ को बुलंद किया, अपनी आवाजों का नजराना पेश किया, मौला गैर की ठोकर से बचाना, फकत अपने दर का मोहताज रखना। ऐसा बादशाह, ऐसा बादशाह, ऐसा बादशाह। सुनिए, कभी मोहम्मद की नींव लिखना, कभी अली की भी ऐन पढ़ना, कभी रिसालत का नाज लिखना, कभी शाहे मशरिकैन पढ़ना। मैं हुसैन के सारे जावियों को हुसैन में तलाश करता हूँ अक्सर, मेरा अकीदा सब बन गया है हसीन लिखना हुसैन पढ़ना। अरे कौन हुसैन, जरा जिसने ये कहा बता कि क्या हुसैन?